अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिल्ले आरब फैशन स्टोर। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं बेबी गर्ल्स कुर्ता। काफ़ी इजी मेथड से आज मैं आपको कटिंग एंड विद स्टिचिंग बताऊंगी। जी व्यूअर्स, ये जो मैं आपको कटिंग बताऊंगी कुर्ते की, ये 2 ईयर्स की बेबी की कटिंग है। आपने सेंटर पैनल के मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले 17 इंच, और इसकी विथ रखनी है 7 इंच। साइड पैनल की रखनी है आपने 3 या 4 इंच, और इसकी लेंथ रखनी है 15 इंच या 14 इंच, जो आपको मैक्सिमम ठीक लगे। स्लिप्स की लेंथ रखनी है आपने 8 इंच, ठीक है। इस तरीके से ही आपने मेजरमेंट करना है और फैब्रिक भी इसी तरीके से सेट करना। अब आ जाए नेक पे, नेक होगा 2 इंच विथ भी और लेंथ भी, और इसकी स्लिप्स की जो विथ होगी वो 4 या 5 इंच होगी। व्यूअर, जिस तरीके से मैंने सेंटर पैनल की और साइड पैनल की सेटिंग करी हुई, इसी तरीके से आपने करके रखनी है। पहले आपने सेंटर पैनल रखना है, फिर स्लिप्स, फिर देन आपने साइड पैनल रखने हैं, ठीक है। ये नेक की एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने हटा दिए। पहले आप स्लिप ज्वाइन कर ले सेंटर पैनल के साथ, फिर साइड पैनल आप ज्वाइन करिएगा दोनों एक साथ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने शोल्डर ज्वाइन कर ली सेंटर पैनल के, ज्वाइन करने के बाद हम नेक देखें। ये देखें, ये नेक 2 इंच का हमने कटिंग किया था, विथ भी और लेंथ भी। अब हम स्लिप्स ज्वाइन करेंगे इसके साथ। पहले इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सेंटर निकाले, कट कर दिए। अब शोल्डर से हम सेंटर रख कर स्लिप्स को ज्वाइन कर देंगे। जी व्यूवर्स, ये स्लिप्स मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ सेंटर पैनल के साथ। अब मैं साइड पैनल ज्वाइन करूँगी कोई भी लेस या धनक के साथ। ये देखिए, मैंने गोटे की धनक यूज़ करी है, स्लिप्स पे भी जिगजैग स्टिच के साथ यूज़ करिए, और स्लिप्स पे भी ऐसे ही यूज़ किए। अब ये देखिए, मैं ज्वाइन दिखा देती हूँ आपको स्लिप्स का। ये देखिए, ये कुर्ते का लुक आया। अब हमें तावीज़ पट्टी की कट करनी है सेंटर से। फ्रंट का साइड हमने फोल्ड कर लिया, ओके। अब हमें 5 इंच से कट करना है। पहले मार्क कर देती हूँ मैं, ये देखिए। अब 5 इंच मैं इसको कट करने के बाद ट्रायंगल का नीचे से एंड शेप दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं जूम आउट करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये लाजमी हमें कट करना है, ठीक है। अब मैं आपको तावीज़, एक मैंने बटन पट्टी स्टिच कर ली है, तावीज़ पट्टी मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। सॉरी, काँच पट्टी भी इसी तरीके से लग रही है, और वो बटन पट्टी भी इसी तरीके से लगेगी। ये देखिए, मैंने ज़िगज़ैग स्टिच के साथ ही इसको यूज़ किया। साइड से आपने 1/2 इंच फोल्ड करके आपने इसी पे स्टिच करना। ये इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको तावीज़ पट्टी बनाने का। जब तावीज़ पट्टी के आप एंड में स्टिच पर आओ, तो आप सेंटर लाजमी मेजरमेंट कर लिया करें। ये देखिए, ये सेंटर मैंने निकाल लिया, ठीक है, इस तरीके से। जी व्यूअर्स, ये तावीज़ पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये इसका फाइनल लुक है। आपने इसी तरीके से फिनिशिंग से तावीज़ पट्टी बनानी है। ये बटन मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर। अच्छा जी, ऐसा है कि हम तावीज़ पट्टी बना तो लेते हैं, बट इसके काज के लिए हमें मार्केट की नीड होती है। तो आज मैं काज बनाना आपको घर में ही बताऊंगी। इस तरीके से आपने फूट चाहिए, ये देखिए, मैं बैक साइड से भी इसका फूट दिखा दूँ। आप लोग किसी भी मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हो, हर मार्केट में अवेलेबल होता है। अच्छा जी, स्विंग मशीन में 4 टाइप की काज दी है। आप कोई भी काज चूज़ करने के बाद पार्ट नंबर B से आप फुट इसको सेट करोगे। फुट लगाना भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, बैक साइड से आपने पुशअप किया, इसको रिमूव किया फर्स्ट फुट को। जो हमें फुट यूज़ करना है उसे रखकर आपने इसे सेट कर लो, ठीक। अच्छा जी, अब आ गया है ये बटन का। बटन किस तरीके से सेट होगा, काज आपने कितना बड़ा रखना है, उसकी विथ कितनी रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
जो आप बटन यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आपने उसको सेट करना है फुट में, ये समझ आ गया? ओके, आपने ये फुट सॉरी बटन सेट करने के बाद अच्छे से आपने फिक्स करना है ये बटन, स्टिचिंग में ना रिमूव हो। सेकेंडली आपने क्या करना है, ये कांच बनाने का एक ऑप्शन होता है कि कहाँ तक आपने इसकी विड्थ या लेंथ रखनी है, ठीक है? ये देखें, ये बिल्कुल कॉर्नर पर होता है ये ऑप्शन, ये देखें, ये शो हो गया, ये देखें नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैं बैक करूँगी, ये फ्रंट पे आए इस तरीके से, ये लेंथ हमारी मेजरमेंट हो जाएगी इसमें। जो आपने बटन यूज़ करना है पहले उसे उसमें सेट करना है फुट में, ओके? ये देखें, ये सेट हो गया, ये मैं नंबर टू बना रही हूँ, सही, ये नंबर टू मैंने चूज़ कर लिया है काज, ठीक है? और किड्स के लिए सबसे बेस्ट है ये नंबर टू जी। ये मैं आपको बता दूँ, काज बनाने के लिए स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करते, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होते, एंड से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और पेपर आपने लाजमी यूज़ करना है, उससे फिनिशिंग आती है आपकी। ये देखिए, पहले मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी, ये आसान अल्फाज में आपको समझ आएगा, ओके? ये देखिए इस तरीके से, आपने ऊपर से नीचे लेके नहीं आना काज बनाते हुए, नीचे से ऊपर लेते हुए आना आपने। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये इसका फ़ाइनल लुक है। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, एंड जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।